अस्सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, आपका दिन भी बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो दी है उसमें आपको बताऊंगा कि HBL PSL पाकिस्तान सुपर लीग जो है उसका जो नया शेड्यूल आया उसके बारे में बताऊंगा। जो पाकिस्तान पहले पाकिस्तान में हो रहा था, अब अबू धाबी में शिफ्ट हो गया है। तो जो HBL PSL का पहला मैच खेला जाएगा वो खेला जाएगा 9 जून को खेला जाएगा। 9 जून से 24 जून तक HBL PSL करेगा, मतलब 24 जून को फाइनल होगा। और उसमें 6 डबल हेडर्स होंगे, जो जिस दिन सिंगल मैच है उस दिन होगा। 9 o'clock से मैच शुरू होगा, पाकिस्तानी टाइम 9 o'clock शुरू होगा, और फिर 1 बजे जाके ख़त्म हो जाएगा क्योंकि 4 घंटे का मैच होता है। और जिस दिन डबल हेडर्स हैं उस दिन होगा मैच, एक मैच होगा 6-6 बजे शुरू होगा, और फिर दूसरा मैच जो है वो रात 11 बजे शुरू होगा। तो जो डबल हेडर्स हैं वो हैं 10 जून, 14 जून, 15 जून, 16 जून, 17 और 18 जून तक वो हैं। इन दिनों में वो हैं डबल हेडर्स हैं। और यानी जो PSL के फैंस हैं उनको 6 रातें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सर्व करनी पड़ेंगे, क्योंकि रात 11 बजे मैच शुरू होगा, तो रात के 3 बजे जाके मैच ख़त्म होगा। तो अब अगर आप लोग देखेंगे या नहीं देखेंगे, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं कि आप लोग मैच देखेंगे या नहीं। अब चलते हैं शेड्यूल की तरफ। तो जो पहला मैच खेला जाएगा वो खेला जाएगा इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस लाहौर कलंदर। जो पहला मैच है, एक मैच है 9 जून को, पहला मैच है इस्लामाबाद लाहौर का 9 जून को, यानी 9 o'clock शुरू होगा मैच। जो 10 जून को है, 10 जून को 2 मैचेस हैं, डबल हेडर है। तो पहला मैच है कराची और मुल्तान का, जो 6 बजे शुरू होगा। दूसरा मैच है पेशावर वर्सेस लाहौर, जो होगा 11 बजे शुरू। उसके बाद जो 11 जून का मैच खेला जाएगा वो होगा, 11 जून को जो मैच है वो होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर, आपने समझे होंगे। फिर 12 जून को भी एक मैच है, वो है 12 जून को वो मैच होगा, वो होगा क्वेटा ग्लैडिएटर वर्सेस पेशावर जुल्मी। और उसके बाद जो है 13 जून, उस दिन होगा डबल हेडर होगा। तो पहला मैच जो होगा वो होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस लाहौर कलंदर। उसके बाद दूसरा मैच होगा 11 o'clock जो शुरू होगा वो होगा मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर जलवे। तो जो 14 जून का मैच होगा वो होगा, एक मैच है 14 जून को, वो होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कराची किंग्स। उसके बाद जो 15 जून को है, 15 जून को डबल हेडर्स होंगे। 15 जून का जो पहला मैच है वो होगा क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस लाहौर कलंदर, और दूसरा मैच जो 11 बजे शुरू होगा वो होगा पेशावर जलवी वर्सेस कराची किंग्स। उसके बाद जो 16 जून को है वो एक मैच है, 16 जून को है मुल्तान सुल्तान और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान एक मैच। 17 जून को डबल हेडर है, पहला मैच 6 बजे जो शुरू होगा वो होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर जलमी, और दूसरा मैच होगा वो होगा कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर। उसके बाद जो 18 जून को होगा वो भी एक मैच है, वो होगा मुल्तान सुल्तान वर्सेस लाहौर कलंदर। उसके बाद 19 जून जो मतलब आखिरी हैं वो डबल हेडर्स होंगे, पहला मैच होगा क्वेटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स, और जो दूसरा मैच होगा वो होगा मुल्तान सुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। और यहीं पे शेड्यूल ख़त्म हो जाता है, मतलब कि शेड्यूल नहीं, इसके बाद वो जो एलिमिनेटर 1, एलिमिनेटर 2, क्वालिफायर वगैरह होंगे वो होंगे। अच्छा, आपको क्वालिफायर के बता दूँ, मुझे 19 जून को ख़त्म होगा जब मैच, सारे मैचेस ख़त्म हो जाएंगे, आखिरी मैच मुल्तान इस्लामाबाद का। उसके बाद 21 जून को होगा प्लेऑफ शुरू होंगे, मतलब कि 21 जून को 6 बजे शुरू होगा क्वालिफायर और डबल हेडर होंगे। जब 21 जून को 6 बजे शुरू होगा क्वालिफायर और 11 बजे शुरू होगा एलिमिनेटर 1। उसके बाद 22 जून को, 21 के बाद 22 को एलिमिनेटर 2 होगा, 9 o'clock एक होगा, और फिर 22 के बाद 24 को होगा फाइनल HBL PSL 6 का। तो दोस्तों, आज वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन को बताएं ताकि आपको पता चल जाए कि नई वीडियो कब अपलोड होगी। इसके बाद वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।